नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ, जहां जेडीएस फैक्ट्री की बंदी के विरोध में किसान संगठन सीटू और श्रमिकों ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा है कि फैक्ट्री बंद होने से ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाले श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, उनके हक और बंद फैक्ट्री को चलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। दरअसल किसान मक्का की खेती कर फसल को फैक्ट्री में बेचते थे, इससे किसानों को मक्का का सही दाम मिलता था, लेकिन अब फैक्ट्री बंद होने से किसान भी परेशान है और यही वजह है कि श्रमिकों ने हक के लिए संघर्ष करने की बात कही है। वहीं 30 जुलाई को बैठक कर संघर्ष के लिए नीति बनाई जाएगी। बिल्कुल से संबंधित है, यहाँ जेडीएस फैक्ट्री है जो 3 बार इन्होंने पहले बेची है, अलग अलग नाम भी रखते रहे हैं और जब भी इनको निकालते हैं कर्मचारियों को, ठेकेदार का जितना भी लेबर है जेडीएस का, उनका इंसेंटिव, उनका पीएफ, उनकी अन्य सुविधाओं को ठेकेदार ख़त्म कर देते हैं। नए सिरे से फिर कहते हैं तुम्हारी नहीं भर्ती हो। और हमारा ये मानना है 10 साल से जो आप लोग लगे हो, 10 साल से इनका जो पीएफ बनता है, 10 साल का पीएफ हमारा वापस दो। 10 साल से जो एक्सपीरियंसी है तो इन्होंने गबन कर रखा हमारे सीरियल, हमारे गबन में आते हैं ये। वही अगली खबर चमोली से, जहां जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने रात को 10:30 बजे अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वही प्रभारी मंत्री ने डॉक्टरों से परामर्श के बाद बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं और कल मुख्यमंत्री धामी, सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ गोपेश्वर पहुंचेंगे। अगली खबर हरिद्वार से, जहां रुड़की के तहसील के रजिस्ट्रार कानून पर हमला करने वाले आरोपियों के पेच कसने के लिए एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर हरिद्वार पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। हरिद्वार पुलिस की ओर से आरोपी सचिन चौधरी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी सचिन चौधरी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी रवाना हो चुकी हैं। वही अगली खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां महज 5 किलोमीटर दूर सोड़ा गांव के लोग लकड़ी की पुलिया बहने के बाद जर्जर तारों वाली ट्रोली से सफर करने को मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि सोड़ा गांव का पैदल मार्ग भी बरसात की वजह से खराब हो रहा है, साथ ही आवागमन के लिए वैकल्पिक पुलिया भी गंगा में बह चुकी है, जिसके कारण स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रोल से आवागमन कर रहे हैं। हम सोना गांव के रहने वाले हैं, यहाँ पे जो है हमारे यहाँ एक ट्रोली लगी हुई है, ये किसी काम की नहीं है। इसके सारे जो है तार तूर सारे वो हो रखे हैं, परसों नदी बढ़ी हुई थी तो सारे जो है पानी पूरा टच हो गया नदी में, फिर भी हमने अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर बार बार जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, उनके लिए भी बहुत दिक्कत है, फिर लेडीज आ रही है वो नहीं आ पा रहे, हम नौकरी करें या मतलब अपने बच्चों को इधर उधर लाएँ हैं, हमारे लिए रास्ते का बहुत दिक्कत है। हमारे उधर का भी रास्ता है वो भी बंद हो रखा है, उधर भी कोई वो नहीं है। वही अगली खबर चंदाला से, जहां जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे चंदाला राई गोड़ाली क्षेत्र में एक गुलदार के पिंजरे में कैद होने का मामला सामने आया है। बता दें कि शहर से सटे वार्ड नंबर 11 गजोली में कुछ महीने पहले आंगन में खेल रही 10 साल की बच्ची आरुषि पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया था, तो वहीं उसके कुछ ही समय बाद चंदौला राय गांव में 4 साल की बच्ची रीतु पर गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं प्रशासन की ओर से कुछ दिन के लिए इस क्षेत्र के स्कूलों में भी अवकाश दिया गया था। वहीं वन विभाग ने क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाए थे, साथ ही वन विभाग की टीम द्वारा अगस्त भी की जा रही है। प्रेमनगर में गढ़ोली क्षेत्र में राय की सेठ में गुलदार का आतंक मचा था और काफ़ी एक बार पहले भी 2 जनों को वहाँ पर दो एक ही परिवार के 2 बच्चियों पर हमला किया था। तो अब तक जैसे कि आज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर गुलदार पिंजरे में कैद हो चुका है। ये लगभग 5 तारीख की घटना है, एक छोटी बच्ची को जो है नाखून मार दिया था, जिसके कारण मतलब जो है यहाँ पे हमने जो है 6 तारीख में जो है पिंजरा लगाया था और लगातार मतलब आज 20 तारीख को मतलब सुबह जो है ये उस पिंजरे में कैद हो गया, जिसको हम लेके सुरक्षित रूप से रेन परिसर में ले आए हैं
और अब इसका मेडिकल रिपोर्ट करने के बाद अग्रिम जो भी निर्देश होंगे उसका पालन किया जाए। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक अनिश्चयकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वही ग्राम प्रधानों और रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है। दरअसल प्रधानों का आरोप है कि विगत वर्ष मनरेगा योजना के अंतर्गत पक्के कामों के भुगतान का पैसा आ चुका है, लेकिन जिला प्रशासन ने पैसे पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से प्रधानों में काफी आक्रोश है। अजय जी, जो आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, जो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्या पूरी मांगे हैं और क्या उसकी वजह है? मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राथमिकता वाली कार्य, नाली गड़ंजा जहाँ कीचड़ बन गई, वहाँ पानी भर गया, कायाकल्प के काम, ये सारे काम हम लोगों ने, अधिकारियों ने खुद स्वीकृति दे के, भाई जब कार्य कराने से पहले स्वीकृति ली जाती है संबंधित विभाग खंड विकास अधिकारी से, उन्होंने स्वीकृति देने के बाद हम वही अगली खबर मैनपुरी से, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने कार में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कार के मालिक को 7 दिन पहले एक धमकी भी मिली थी, लेकिन इस संबंध में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। गाड़ी गिराने की घटना सामने आई है, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला आ गया है? थाना कोतवाली के आवास विकास में एक अक्षय यादव रहते हैं, उनकी गाड़ी रात में 18:19 की रात में जला दी गई और जलाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। अच्छे यादव ने एक तहरीर थाने पे दी है कि अभिषेक चौहान से कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था और अभिषेक चौहान और उनके अन्य 3 साथियों ने यह घटना की है। इस आधार पर तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है। वही अगली खबर बाराबंकी जिले के जैतपुर से है, जहां देर रात अहमदपुर रोड पर पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद अपराधी द्वारा फायर किया गया। वही पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग से अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल अभियुक्त के पहचान लखनऊ जिले के दाऊदपुर निवासी रवि यादव के बेटे राजेश के नाम से हुई है, जो थाना जैतपुर पर पंजीकृत संबंधित धाराओं में वांछित 20,000 का इनामिया है। गिरफ्तार अभियुक्त रवि यादव के कब्जे से तमंचा व कारतूस और कई चाकू भी बरामद किया गया। 11 तारीख को जैतपुर में घटना हुई थी, रात को चेकिंग के दौरान कुछ बदमाशों ने हमारे कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था और वहां पे तार कटिंग, जो बिजली का हाई टेंशन तार था उसको काट डाले थे लोग, उसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। एक अभियुक्त उसमें अभी भी फरार चल रहा था, जो वांछित था हमारा, जिस पे इनाम भी घोषित किया गया था 20,000 रुपये का। लगातार हमारा टीमें कॉम्बिंग भी कर रही थी। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने ऋषिकेश पहुंचने पर पर्यटन मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यूपी के साथ उत्तराखंड पहुंचे, इसके प्रयास भी दोनों राज्य की सरकार कर रही है, इसलिए उत्तराखंड और यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्य की सरकार जल्द ही एक MOU पर हस्ताक्षर करने वाली है, जिसके तहत हेली सेवा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को हेली सेवा से ही 4 धाम यात्रा पर भेजा जाएगा। जो है रामलला के लिए बंकर लगभग तैयार है, पर्यटन की दृष्टि से किस प्रकार से देख रहे हैं, कैसे अब भीड़ उमड़ेगी और कैसे कैसे वहाँ सुविधाएं और क्या क्या वहाँ पे लोग? देखिए, जहाँ उत्तराखंड हमारा देवभूमि के रूप में विख्यात भी है और है भी, उस तरह उत्तर प्रदेश भी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त भूमि है। जहाँ वृंदावन और मथुरा में कृष्ण की लीलाओं से लेकर के भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या तक, वही अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां जिले के कुसुबी मजरे रमवा गांव में भट्टा मजदूर की पेड़ पर लटके हुए शव मिला, जिसके बाद पीड़ित पिता ने भट्टा मालिक सहित ठेकेदार पर मजदूरी का पैसा मांगने पर हत्या कर शव को पेड़ में टांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वही पुलिस अधीक्षक ने मामले पर जांच कर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है।
अगली खबर हरदोई से है, जहां बकरियां चराने गए बच्चों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई। वही चारों बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां मुहर्रम को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने कानपुर में मर्चेंट चैंबर सभागार में पीस कमेटी संघ बैठक की। वही पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि पिछले वर्षों में जैसा व्यवस्था किया गया था वैसा ही व्यवस्था इस बार भी रहेगा। त्योहार में किसी को कोई परेशानी नहीं हो, ये खास ख्याल रखा जाएगा। वही अगली खबर झांसी से है, जहां बीते दिनों कर्नाटक में जैन मुनि महाराज की निर्मम हत्या से पूरे देश का जैन समाज ने विरोध किया, साथ ही साथ प्रदर्शन और नारेबाजी कर बाजार बंद करने की भी मांग की। वही आपको बता दें कि कर्नाटक में कुछ दिनों पहले मुनि की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जैन समाज में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि हत्यारों को उचित सजा नहीं दी जाती है। वही जैन मुनि की हत्या के विरोध में संपूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वही अगली खबर बहराइच से है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय परसिया आलम प्यागपुर बहराइच में बच्चों के साथ शिक्षकों की ओर से पौधारोपण किया गया, साथ ही पौधों की देखभाल करते हुए हरा भरा रखने की शपथ भी दिलाई गई। नवल कुमार पाठक ने बच्चों को प्राकृतिक मित्र बनाकर विद्यालय में 60 पौधों का रोपण कराया, साथ ही पौधों की बारात निकाली गई, जिनमें छात्रों ने पेड़ है प्रकृति का सम्मान, इन्हें बचाने हेतु चलाओ अभियान नारे लगाए। वही अगली खबर बिजनौर से है, जहां धान के खेत में हो रही दलदल में हाथी के फंस जाने से पूरे गांव में हलचल मच गई। वही हाथी को बचाने के लिए गांव वालों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास विफल हुए। वही हाथी को देखने के लिए भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वही गिरफ्तारी के वक्त बदमाश के पास से एक 315 बोर का तमंचा मय कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। वही पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वही अगली खबर संभल से है, जहां सिटी में कांवड़ वाले मार्ग पर दिन दहाड़े ओवरलोड खनन के वाहन दौड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर सड़क पर खुलेआम चल रहे हैं ये वाहन। वही अब मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।